वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के डे नंबर 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, कल यानी कि थर्सडे को इंसिडियस नाम की फिल्म जो है रेड डोर, वो रिलीज होने वाली है। ये एक थर्सडे रिलीज है। इनफैक्ट आज रात से ही 11:55 पर ही ये फिल्म जो है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उसके बाद फ्राइडे को विद्या बालन, जो कि बहुत साल के बाद भैया सिनेमाघरों में उनकी फिल्म आ रही है, नियत नाम की उनकी फिल्म है, वो फ्राइडे को आ रही है। तो गाइस यही दो फिल्म है, सो आई डोंट थिंक विल बी एनी मेजर कॉम्पिटिशन फॉर कार्तिक आर्यन सत्य प्रेम की कथा। इसे कैसे भी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे का फायदा उठाना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर उसके बाद सिर्फ मंडे ट्यूजडे बचेगा, क्योंकि 12 तारीख को मिशन इम्पॉसिबल आ रही है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कार्तिक आर्यन की फिल्म जो है उसने अपने डे नंबर 6 पर एक बहुत ही सॉलिड होल्ड रखा। सबको लगा था कि फिल्म 4 करोड़ के नीचे गिरेगी, क्योंकि आइडियली 10% ड्रॉप तो आना ही आना था, लेकिन फिल्म ने बहुत जबरदस्त तरीके से डे नंबर 6 पे होल्ड किया एंड 4 करोड़ के ऊपर ही कमाई की। चलिए इसके एपिसोड शुरू करते हैं। सो डे नंबर 1 9.25, डे नंबर 2 7, डे नंबर 3 10.10 एंड डे नंबर 4 12.15। 4 दिनों के वीकेंड में 38.40 करोड़, फ्राइडे फिल्म ने 4.21 करोड़ कमाया एंड डे नंबर 6 यानी कि ट्यूसडे का मेरा प्रेडिक्शन था कि फिल्म 10% का ड्रॉप लेते हुए 3.75 से 3.80 करोड़ के बीच में कमाएगी, लेकिन कल रात के शोज ने अच्छे होल्ड दिखाए। इसी का कारण है यहाँ पर सत्य प्रेमी कथा ने 4.05 करोड़ की कमाई की है। यस फ्रेंड्स, फिल्म ने यहाँ पर अपने 6 डे पर हार्डली एनी ड्रॉप दिखाते हुए 4.05 करोड़ रुपए कमाया है। इसी के साथ इसके 6 दिनों का टोटल जो है वो 46.76 करोड़ जो है वो पहुंच चुका है, यानी कि 46.76 करोड़। इसका ग्रॉस होता है 55.96 करोड़, यानी कि 55.96 करोड़ ओवरसीज। कल अपडेट करूंगा, अब तक 11.49, यानी कि फिल्म ने विदेशी मार्केट्स में 11.49 करोड़ की कमाई करते हुए अपने विश्व भर का टोटल जो है यहाँ पर यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 67.45 यानी कि 67.45 करोड़ जो है पहुंचा लिया है। अब देखने लायक ये रहेगा कि आज क्या ये फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंटर करती है नहीं करती। भैया इसलिए एपिसोड बनाया है। तो गाइस ऑक्यूपेंसी जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ऑक्यूपेंसी क्या थी। मॉर्निंग 8, आफ्टरनून 11 एंड इवनिंग 13, यानी कि कल जितनी ऑक्यूपेंसी है एंड थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रात को अगर अच्छी ऑक्यूपेंसी हुई देन गाइस वी कैन सी अ फिगर वेरी सिमिलर टू ट्यूजडे। यानी कि अगर रात की ऑक्यूपेंसी अच्छी हुई तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वेडनेसडे का कलेक्शन जो है वो ट्यूजडे से मेल खाता हुआ दिखाई देगा, अगर आया भी तो थोड़ा कम आएगा। बात कर दिल्ली एनसीआर की, 783 शोज है, कल 772 था, आज 15% ऑक्यूपेंसी है, फिल्म अपना ग्रिप जो है पकड़ रही है। मुंबई में 602 शोज में 15%, पुणे 205 शोज में 16, कल 18 था आज 16 है, मुंबई में कल 14 था आज 15 है, तो ग्रोथ देखने मिला। बेंगलुरु 205 शोज में 9%, हैदराबाद 179 शोज में 9, तो बैंगलोर एंड पुणे, बैंगलोर एंड हैदराबाद में 1-1% का ड्रॉप जो है देखने के लिए मिला है। कोलकाता 232 शोज में 12%, 1% का ड्रॉप। बट लुक एट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अहमदाबाद, मंडे 387 शोज, ट्यूसडे 402 शोज एंड वेडनेसडे 424, यानी कि 424 शोज। इसका जो फ्लेवर है गुजराती फ्लेवर वो अहमदाबाद में सर चढ़कर बोलते हुए दिखाई दे रहा है एंड आज ऑक्यूपेंसी भी अच्छी खासी 12% की है। चेन्नई 39 शोज 24% ऑक्यूपेंसी, सूरत में लुक एट द ट्रेजेक्ट्री 211 शो मंडे, कल 216, आज 223। गुजरात सर्किट में ये फिल्म अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए एंड ये वीकेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर ये फिल्म अच्छा बिजनेस करे। ऑक्यूपेंसी सूरत में 8% की है, इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर कार्तिक आर्यन सत्य प्रेमी कथा ऑन इट्स 7th डे इज 3.95 से 4 करोड़। उम्मीद कर रहा हूं कि 4 करोड़ आए, एंड अगर 4 करोड़ आए तो फुल ऑन जलसा होगा, क्योंकि दिस गुज्जू पटाखा यानी कि नन अदर सत्तू फ्रॉम सत्य प्रेम की कथा यहाँ पर इज डूइंग सुपर्ब एट द बॉक्स ऑफिस। जो होल्ड है
मंडे के बाद वो फिल्म बहुत अच्छा दिखा रही है ना, अगर ये फिल्म 4 करोड़ कमाती है देन गाइस फिल्म 7 दिनों में 50.76 करोड़ कमा लेगी, यानी कि 50.76 करोड़। आई एम वेरी हैप्पी फॉर कार्तिक आर्यन। मैं चाहता था कि फिल्म अच्छा बिजनेस करे बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि इस फिल्म दिल से बनाई गई है। आप जरूर एक बार फिल्म को देखकर आइए, आपको बहुत मजा आएगा फिल्म को देखकर। एंड अगर थर्सडे देखो गाइस, कल इंसीडियस रिलीज हो रही है द रेड डोर, तो शोज तो कम होंगे ही होंगे। एंड उम्मीद कर रहा हूँ अगर थर्सडे 3:30 पकड़ लो, इसका पहला हफ्ता 54+ करोड़ होगा, जो कि काफ़ी अच्छा टोटल होगा। अब गाइज यहाँ से इसकी मंजिल क्या बोलती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर थर्सडे 3:30 है तो फ्राइडे कैसे भी 3 करना होगा, सैटरडे 4, 4:30 एंड संडे 5 या 6, तब जाकर बात बनेगी, वरना गाइस जो टोटल एक्सपेक्टेड है वो उतना नहीं आएगा। लेट्स सी गाइस, सेकेंड वीक एंड इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन, इंसीडियस रेड डोर है और नियत है, तो वापस से ऑडियंस जो है सत्य प्रेमी कथा उनकी पहली चॉइस होगी। ओके गाइस, होप आज के एपिसोड सभी लोगों को समझ और पसंद आया होगा। आपसे पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भैया सब्सक्राइब कीजिए। स्पैमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।